भारत भूमि का इतिहास अति वैभवशाली रहा है, जिसे महान बनाने में महिलाओं का योगदान भी अतुलनीय रहा है। इन महिलाओं में से एक दिव्य नाम महारानी अहिल्या देवी होलकर का है। हम आज आपको उन्हीं की वैभव गाथा बताने वाले हैं। तो चलिए हमारी ये यात्रा प्रारंभ करते हैं। उनका जन्म सन 1725 में जामखेड़ के चौंदी गांव में हुआ था, जो आज महाराष्ट्र में है। मल्हार राव होलकर, जो पेशवाओं के दरबार में मालवाड़ क्षेत्र के सेनापति थे, उन्होंने अहल्या देवी की प्रतिभाओं को परखा। इसी कारणवश अपने पुत्र खंडेराव होलकर से उनका विवाह कराया। दुर्भाग्यवश अहल्या देवी होलकर के पति खंडेराव होलकर का 1754 में युद्ध में निधन हुआ। पति की मृत्यु के पश्चात पिता समान ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें सती होने से रोका। मालवा राज्य को स्थिरता एवं सुदृढ़ बनाने की क्षमता अहल्याबाई देवी में है, यह बात मल्हार राव होलकर भली भांति जानते थे। इस घटना के 12 वर्ष पश्चात मल्हार राव होलकर का भी निधन हो गया। तत्पश्चात अहिल्या देवी के एकमात्र पुत्र मालेराव होलकर ने सत्ता संभाली। दुर्भाग्यवश एक वर्ष के भीतर ही उनका भी निधन हो गया। सन 1767 में संपूर्ण मालवा राज्य का संचालन अहिल्या देवी पर आ गया। अब अहिल्या देवी ने तुकोजी राव होलकर को सेनापति पद पर नियुक्त किया। परंपराओं से विपरीत निर्णय लेकर अहिल्या देवी ने अपनी पुत्री का विवाह यशवंतराव से कराया, जो पराक्रमी थे परंतु आर्थिक रूप से कम संपन्न थे, जिससे यह ज्ञात होता है कि अहिल्या देवी जाति से बढ़कर मनुष्य के कर्मों पर विश्वास रखती थी। उनके कार्यकाल में उन्होंने इंदौर को छोटे गांव से एक बड़ा वैभवशाली शहर बनाया, अपने राज्य की सीमाएं सुरक्षित की, चोर तथा लुटेरों के उपद्रव से अपनी प्रजा को मुक्त कराया। अहिल्या देवी भगवान शिव की परम उपासक थी, इसी कारण उन्होंने नर्मदा के किनारे अपनी नई राजधानी माहेश्वरी को बनाया। यहाँ उन्होंने अपना राजवाड़ा तथा मंदिरों का निर्माण करवाया तथा यहीं से मालवा का शासन करने लगी। अहिल्या देवी होलकर ने संपूर्ण मालवा के लिए हितकारी कार्य कर प्रजा में प्रचुर मात्रा में स्नेह तथा आदर प्राप्त किया। उन दिनों संपूर्ण भारत में हिंदू धार्मिक स्थलों की अवदशा तथा यात्रियों को होती असुविधा से बड़ी दुखी थी वह। लगभग 1000 वर्षों के मुस्लिम आक्रांताओं के आतंक से भारत के सभी प्रमुख हिंदू पवित्र यात्रा स्थल नष्ट तथा क्षतिग्रस्त हो चुके थे। यह देख अहिल्या देवी ने भारत के सभी महत्वपूर्ण यात्रा स्थलों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार करने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। इस कार्य में उन्हें पेशवाओं का सहयोग एवं प्रोत्साहन भी मिला। उत्तर भारत पेशवाओं के अधीन
ना होता तो यह कार्य असंभव हो जाता। अहिल्या देवी ने काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, उज्जैन, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी तथा अन्य यात्रा स्थलों पर आवश्यकता अनुसार मंदिर विद्यमान मंदिरों का जीर्णोद्धार, पानी के कुंड, पक्के मार्ग, कुएं, घाट तथा धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। हिमालय से लेकर दक्षिण भारत के समुद्र पर्यंत उनके बहुमूल्य कार्य के लिए भारतवर्ष उनका सदैव आभारी रहेगा। अपने शासन काल में उन्होंने संगीत एवं नृत्य कला एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। माहेश्वरी में स्थापित वस्त्र उद्योग इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है। सन 1795 में 70 वर्ष की आयु में का उनका स्वर्गवास हुआ। उनका शासनकाल आज भी मालवा का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उनके बाद उनके सेनापति तुकोजीराव होलकर ने मालवा की सत्ता संभाली। लगभग 300 वर्षों बाद भी भारत की धर्मप्रिय जनता उन्हें बड़े आदर से याद करती है। अहिल्या देवी होलकर का प्रजा के प्रति सेवा भाव तथा धर्म के प्रति समर्पण की भावना ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनके आदर्शों का पालन हम करते रहे तथा उनके आशीर्वाद हम पर बने रहे। बस इसी आशा के साथ अगली यात्रा तक आपसे अनुमति लेता हूँ। उत्तिष्ठ भारत।